देखिए जॉइंट इंडियन नेवी की तरफ से आपके नेवी SSR और एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए परीक्षा पर आपको स्पेशल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में आपको ऑनलाइन सॉल्व करने होंगे। और इसका जो प्राइस रखा गया वो रखा गया 250 रुपीज़। अगर आप अपने चैनल का कोड जो कि ये दे रखा है यूज़ करते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब आपको ऑलमोस्ट 150 रुपये के आसपास ये टेस्ट सॉल्व करने को मिल जाएगा। 10 टेस्ट की सीरीज है, ज़रूर सॉल्व करना आप अगर अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे परीक्षा ऐप की लिंक है, साथ ही ये कोड भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले परीक्षा ऐप डाउनलोड करिए, इसके बाद परचेज करते वक्त ये कोड जरूर यूज़ करना 40% डिस्काउंट के लिए। रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये 10 प्रैक्टिस सेट जरूर, 10 ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में जो हम सॉल्व करेंगे नेवी SSR MR के लिए। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो इन्हें रट लेना कैसे भी करके। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके दिमाग में जो भी टॉपिक आता है कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एक बार चैनल को विजिट करना, वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। UNO का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO का फुल फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 32 क्वेश्चन है जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमेशा याद रखना 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो क्या हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में आपके क्या किया उन्होंने, हिंदी में भाषण दिया। ठीक है, प्रथम व्यक्ति हैं ये। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की UNO की स्थापना हुई। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। UNO ने इस ध्वज को कब अवंगित किया था? जिसको किया था 1947 में। नेक्स्ट है सिक्स नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिवमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी एंड स्पेनिश हैं। ठीक है, तो कार्य करने के लिए कौन सी भाषाएं हैं इसमें? केवल दो भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, याद रखना। नेक्स्ट है सेवन नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ का अब मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है आपका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? तो देखिए एंटोनियो गुटेरस आपके कौन है, वर्तमान सचिव हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट है नाइन नंबर है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है। नेक्स्ट है लैंगिक समानता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंगिक समानता व फिर महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, UN वुमन। ठीक है, UN वुमन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत UNO में, ठीक है UNO में का सदस्य किस वर्ष से है? तो 1945 से है, याद रखना 1945 से है। नेक्स्ट है कौन से दो देश ऐसे हैं जो UNO के सदस्य देश नहीं हैं? वो हैं आपके वेटिकन सिटी और ताइवान, ये दो देश ऐसे हैं जो अभी भी आपके UNO के सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये देखिए आपकी थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। अब वीटो क्या होता है देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट, निषेधात्मक वोट मतलब मैं मना करता हूँ, ये आपका वीटो का अर्थ है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा बनाए रखना, समझ गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट है 17 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस, चीन और फ्रांस, ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। 18 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हेग में स्थित है, हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, 19 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वो आपका हैमर सोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है, याद रखना, लिख लो इसको, हैमर सोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई?
देखिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की जो मूल प्रति है वो रखी गई आपके अमेरिका के राष्ट्रीय पूरा लेखागार में, ठीक है, पूरा लेखागार में राष्ट्र राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति रखी गई। 21 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना, आप सभी याद कर लो क्योंकि ऑप्शन अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग जो हैं वो हैं आपका महासभा, ठीक है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, साथ ही न्याय परिषद, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद, याद रखना। 21-2 है आपका, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष UNICEF यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, समझ गए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष जिसे यूनिसेफ बोलते हैं, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखना, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। इसके बाद 23 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को कहते हैं। 24 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सारे एक तो इंपॉर्टेंट है, मैं किसको किसको इंपॉर्टेंट बोलूं, तो ये याद कर लेना कितने शब्द हैं चार्टर में, 10,000 शब्द हैं। देखिए इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है ऐसे, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द हैं, चार तीन ऑप्शन होंगे, 10,000 शब्द, 11,000, 15,000 ऐसे ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रखना होगा 10,000 शब्द हैं और धाराएं कितनी हैं, 111 धाराएं हैं और अध्याय कितने, 19 अध्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 25 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दी थी, तो जॉन डी रॉकफेलर ने, ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर ने भूमि दान दी थी। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ, तो ये देखिए 1992 ईस्वी में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, और ये कब बनकर तैयार हुआ था, 1952 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, तो 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में के मुख्यालय में, कितने कर्मचारी हैं, 10,000 है, ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो महासचिव आपका जो होता है वो क्या होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है, और वहाँ पे ऑप्शन में आप उनके नाम दिए होंगे, ना कि महासचिव, तो ध्यान रखना मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और महासचिव एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है 29 नंबर है, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, महासचिव का कार्यकाल, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है, तो क्या बताओगे आप, 5 वर्ष होता है, ठीक है, कितना होता है, 5 वर्ष होता है महासचिव का कार्यकाल। इसके बाद 30 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताएं, तो देखिए महासभा है इसकी प्रमुख व्यवस्थापिका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है, तो जो पहला विशिष्ट संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो 31 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, संयुक्त राष्ट्र संघ से 31 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ जाए, तो ये 31 क्वेश्चन तैयार कर लेना। और इस वीडियो के अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, अगर लिंक काम नहीं करती तो Ankit Singh 38 सर्च करना टेलीग्राम पे, अंकित सिंह नाम का ग्रुप आ जाएगा और वहाँ पे आप आसानी से ज्वाइन कर लेना, कुछ देर बाद मैं आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और सारे क्वेश्चन मैं अच्छे दे रहा हूँ और कमेंट करके बताते रहा करिए। कल मैंने कमेंट में पूछा कि क्या मैं रात में 3 से 4 वीडियो दे दूँ, कौन कौन पढ़ने के लिए रेडी है, तो रात 1000 व्यूज़ हो गए थे और 100 से ऊपर लाइक उसमें थे, लेकिन कमेंट करने वाले सिर्फ 50 से 55 लोग ही थे कि यस हाँ रात में दे दो, मतलब 100 लोगों से ये भी ना कहा गया कि हाँ सर दे दो मैं पढ़ने के लिए रेडी हूँ, मतलब बहुत बुरा लगा ये जान के कि पढ़ना ही नहीं चाहता कोई। तो आप लोग बताइए आज दिन में कितनी वीडियोस दे दूँ, जो लोग लास्ट तक आए हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं तो सोच रहा हूँ 5-6 वीडियो 7 वीडियो ज़रूर दे दूँगा, इंटरनेट प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।
और इसकी PDF आप डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और अगर आपने वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करी है तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना कमेंट बॉक्स से, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा।